वेल हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उनको लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो, लेकिन दिन के टाइम। ओके जी, चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए डिटेक्टर के बारे में। क्योंकि आप लोगों को शायद पता ना हो तो विश्को मेटल डिटेक्टर कंपनी एक कंपनी और एक्सक्लूसिव अपने पास ला चुकी है, यानी कि एक कंपनी की और डीलरशिप ले ली गई है। क्यों ले ली गई है? क्योंकि कई लोगों को कुआं खोदने की ज़रूरत होती है। अब ऐसे लोग भाई स्कैनर चाहते हैं, स्कैनर हो सर, स्कैनर दे दो, स्कैनर ला दो। तो उनके लिए एक ऐसा स्कैनर लाए हैं जो बिल्कुल छोटी सी कॉइल में ना आसमान फाड़ डेप्थ देगा। यानी कि अगर आपको इसको 3D में चलाना होगा तो 3D में भी स्कैन कर पाओगे, और यदि आपको ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना, एक छोटी सी कॉइल के सहारे ही खूब डेप्थ निकालना है तो आप वो भी कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो मशीन है इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा, पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं। भाई डेमोन्स्ट्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मेटल को नीचे रख दिया गया है। अब ये डेमो पहले भी आप देख चुके हो एड्रिनालिन पे, लेकिन ये दूसरी मशीन है जिसका नाम है GDI पल्स। ठीक है, ये 3D स्कैन में भी आपको मिलेगी। ये इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से आपको एंड में बताऊंगा। अब यहाँ देखो, कमलेश जी टेप लगा चुके हैं, यानी कि फीता लगा दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि कितना गहरा ये जा रही है। वही जैसा उसमें 8 फिट आपको डेप्थ टेस्ट दिखाया था, मगर उसमें बड़ी कॉइल यूज़ की गई थी। अब ये जो मशीन है ये उससे भी पावरफुल है, एड्रिनालिन से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए इसके अंदर क्या करा गया है, छोटी सी कॉइल में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया। अब देखो यहाँ पे छोटी सी कॉइल में वही 230 से 260 सेंटीमीटर के आसपास आपको डेप्थ रेंज देखने मिलेगी। यानी जब कॉइल चलेगी 260 पे चलेगी, 230 ग्राउंड का लेवल आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे 8 फिट पे आराम से किस प्रकार का टेस्ट ये छोटी सी कॉइल पे निकालने वाली। अब ध्यान रखना दोस्तों, कॉइल बहुत छोटी है इस मशीन की। अगर आपकी इसमें जो बड़ी कॉइल आती है वो आपने लगा दी तो और भी गहरा आप फ्रेश मेटल डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन इतना गहरा खोदने की या इतना बड़ा टीला कहीं पे था ही नहीं कि आपको डेमो के लिए वीडियो बना सके। तो छोटी कॉइल पे 8 फिट का डेमो आपके लिए हाजिर है। अब जो आप देखने वाले हो, ये मेटल रख दिया है और इस मेटल को गाड़ रहे हैं। अब यहाँ पे कमलेश जी क्या कर रहे हैं, मशीन की सेटिंग लगा रहे हैं। कोई ज़्यादा इसमें ना मशीन में दंद फंद नहीं है, आप लोग आराम से ये सेटिंग है खुद भी लगा सकते हो। हल्का सा थ्रेशोल्ड आप खोल के रखना, यानी कि थोड़ा बहुत मशीन में साउंड बराबर आता रहे, ताकि साउंड जब बदले तो आपको आराम से मेटल वाला साउंड अच्छे से सुनाई दे। अब ये सब चीज़ें ना मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी कमलेश जी सेटिंग लगाने के बाद आप लोगों को बहुत सारी बातें बताएंगे, उनके ही हाथ से आपको ये थोड़ा डेमो समझाने वाले हैं। इस मशीन में पूरे के पूरे फीचर एक छोटा बच्चा भी होगा ना तो वो ऑपरेट करके चला लेगा। यानी इस मशीन की सबसे बड़ी विशेषता है, आप इसमें 3D स्कैन का पूरा डायग्राम, डाटा और एनालाइजिंग के लिए ले सकते हो। ठीक है, एनालाइज आप करते रहो। बाकी मैं ये कहूँगा कि इसको सिंपल आप पल्स की तरह चलाते जाओ, साउंड के आधार पे भी आप इसको चला पाओगे। सेटिंग में कोई ज़्यादा बटनों में इसका लफड़ा नहीं है, फेरस नॉन फेरस के लिए अंदर को कांटा दिया गया, यानी कि अनपढ़ भी इसको चला सके। तो चलिए कमलेश जी, अब आपकी बारी, आप बताना शुरू कीजिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ये मैंने मेटल के ऊपर से कॉइल को लाया, इसकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस देखिए आप। गुने जी, इस मेटल को आप हटा दीजिए नीचे से। वापस मशीन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब वापस मेटल को लगा दीजिए, नीचे करो। हाँ, अब वापस मेटल को हटाओ एक बार। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से मशीन वेरी फास्ट एक तरीके से रेस्पॉन्सिव है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से नीचे ऑब्जेक्ट आते ही ये मशीन आराम से और इजीली इसको डिटेक्ट करती है। और कॉइल की साइज़ का तो मेटल दबा हुआ है वो है, और कॉइल को मैं ऊपर रख रहा हूँ लगभग 255 सेंटीमीटर तक, यानी कि लगभग 8 फीट की गहराई तक हम इसको चेक करेंगे। और इसकी जो
कांस्टेंट एक टक 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 की जो वॉइस है वो एडी करंट, यानी कि इसके अंदर से एडी करंट जो ज़मीन के अंदर जो पल्स ट्रांसमिट करती है ये मशीन, जो मेटल से हिट होकर वापस इसको रिसीव होंगे तब उसकी एक अलग ही वॉइस आएगी। तो चलिए मैं इसको फाइव करके देखता हूँ मेटल के ऊपर ये किस तरीके से रेस्पॉन्स करती है, और ये मेटल की जो गहराई लगभग 8-8.5 फीट की गहराई तक ये दबा हुआ मेटल है, फ्रेश मेटल है बिल्कुल भी। और अभी इसके ऊपर आपने देखा होगा रेत नहीं डली हुई है, अभी पहले हम इसको एकदम ओपनली खुला चेक करेंगे, उसके बाद में इसको रेत डाल के भी चेक करेंगे ये कॉइल इसको डिटेक्ट करती है कि नहीं। सो मैं अभी इसको आगे फॉरवर्ड वॉक करते हुए चल रहा हूँ और आराम से इसको वॉक करते हुए, छोटी कॉइल है दोस्तों, 64 सेंटीमीटर की कॉइल का जो डायमीटर है, और अभी मैं इस मेटल के ऊपर हूँ और आप वॉइस में चेंजेस देख सकते हैं, यानी कि वॉइस तेज हो जाती है बिल्कुल भी। अब मैं आगे और बढ़ता हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी मेटल नहीं है और ये वापस नॉर्मल हो जाती है, मैं वापस बैकवर्ड की तरफ इस तरीके से चल रहा हूँ और आराम से मूवमेंट करते हुए, जैसे ही मैं मेटल के ऊपर आता हूँ ये मशीन जो है अपनी वॉइस को तेज़ कर देती है और इस तरीके से शानदार रेस्पॉन्स करती है मेटल के ऊपर। मेटल से मैं हटा देता हूँ ऑयल को और वापस ये नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। तो देखा दोस्तों कितनी शानदार तरीके से इसको डिटेक्ट कर रही है, और अब हम इस मेटल के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और इसको दबा देते हैं, फ्रेश मेटल को दबा देते हैं, उसके बाद में इसको एक बार चेक करेंगे कि ये इसको डिटेक्ट कर पा रही है कि नहीं। तो बुने जी इसके ऊपर आप थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए मेटल के ऊपर और आप अपनी देख लेते हैं। और इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है दोस्तों, जैसे ये कॉइल और अगर इस तरीके से अगर आप इसको साइलेंट रख देते हैं मशीन को पूरी तरीके से विदाउट टक टक की वॉइस को, तो इसकी थोड़ी सी डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी, और अगर आप हल्का सा 1 सेकंड में 3 बार टक 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 इस तरीके से अगर आप इस वॉइस को ऑन रखते हैं तो इसकी डेप्थ और बढ़ जाती है। और आप देख रहे हैं हमने इसके ऊपर मिट्टी से पूरी तरीके से इस मेटल को मिट्टी से दबा दिया है और अब हम इसको फिर से चेक करेंगे। और आप ग्राउंड कंडीशन भी देखिए, सबसे मायने रखता है ग्राउंड कंडीशन, एक्सट्रीम हाईली मिनरलाइज ग्राउंड कंडीशन विथ सॉल्ट, यानी कि नमक सबसे ज़्यादा जो व्हीलअप मशीनों का जो दुश्मन होता है वो नमक होता है, बाकी एल्यूमिनियम फॉइल तो वो तो बाद की बात है, लेकिन ग्राउंड ये जो है सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होती है। तो आप दिखाइए ग्राउंड को एक तरीके से, ये पूरी तरीके से नमकीन है और इसको आप खोदेंगे तो ब्लैक ऑयल नीचे से निकलेगी जो कि पूरी तरीके से हाईली मिनरलाइज ऑयल है। अब तो चलिए अब इस तरीके से हम और इसका जो है एक बार ऑयल को टेस्ट कर लेते हैं। अभी मेटल जो है एक तरीके से हमने इसमें रेत के अंदर दबा दिया है और अब हम इसको देखिए शानदार रेस्पॉन्स है। अब गुनिया जी इस मेटल को ना वापस एक बार हटा लीजिए, पूरी तरीके से दूर हटा लीजिए, मैं कॉइल को इसी जगह पे रखता हूँ, स्टेबल रख लेता हूँ और अपन चेक करते हैं। पूरी तरीके से स्टेबल है, अब वापस इसके नीचे एक बार मेटल लगाइए, तो ये इस तरीके से रेस्पॉन्सिव मशीन है, बहुत शानदार डिटेक्शन कैपेबिलिटी है। इसको हटा लीजिए कभी भी आप, तो देखो दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से ये मशीन रेस्पॉन्स करती है टुवर्ड द मेटल, यानी कि मेटल के प्रति इतना रेस्पॉन्सिव है। अब एक बार मैं और दिखा देता हूँ, आप इसको मेटल को लगा दीजिए नीचे और ये देखिए बहुत शानदार डेप्थ ले रही है मशीन, बहुत अच्छी मशीन है ये। इस मशीन को आप 3D में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इस तरीके से वो एक्स्ट्रा तामझाम नहीं, छोटा सा एक डेटा लॉगर लगता है इसके साथ में, उस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार हम जो डेमो करेंगे वो इससे भी बड़ी कॉइल का होगा, यानी कि वो कॉइल की साइज होगी 128 सेंटीमीटर का डायमीटर, इसका जो है 64 सेंटीमीटर के डायमीटर में हमने ये कॉइल बनाई है। एक बार इसको मेटल को हटा दीजिए बताइए, तो
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये जो कंपनी है GDI डिटेक्टर, ये जो मेटल डिटेक्टर है, ये कहाँ का बना हुआ है? ग्रीस का। ग्रीस कहाँ है? यूरोप में। तो ये GDI जो कंपनी है, ये माहिर है कायम है पेंडुलम, डाउजिंग रॉड और ये सब चीज़ें बनाने में। यानी कि ये पहले क्या बनाते थे? डाउजिंग रॉड बनाते थे। ये मेटल डिटेक्टर नहीं होते थे तब, डाउजिंग से ही काम किया जाता था। ये गड्ढे वगैरह आप जो गुनते रहते हो ना लॉन्ग रेंज लोकेटर लेके, ये सिर्फ डाउजिंग होता है। अब इसके बारे में नहीं जानते, चैनल पे पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो GDI कंपनी है, इन्होंने अपना एक ऐसा डिटेक्टर बनाया है जिसके अंदर इनने भी 3D मॉड्यूल एड्रिनलिन की तरह फिट करने की कोशिश की है। यानी आप एक सादा स्कैनर की तरह स्कैन कर लो, खास तौर से छोटी कॉइल पे। यानी इतना पावरफुल डिटेक्टर तो मैंने भी अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। इतनी सी कॉइल यार, 2 फिट की कॉइल पे आपको इतना गहरा जा रहा हो, 8 फिट का डेप्थ टेस्ट निकाल रहा हो, और अगर इसकी बड़ी कॉइल लगा देते तो ये और भी ज़्यादा जाता। और सबसे बड़ी बात, फ्रेश मेटल पे जा रहा है दोस्तों। अगर बरीड मेटल होता तो ये छोटी कॉइल पे ही दुगना जा रहा होता। तो बहुत ही अच्छा स्कैनर है जिनको कुएं खोदने। और ये याद रखना, जिस दिन ये मशीन बजेगी ना, उस दिन JCB लगाना पड़ेगी, ये बात पक्की है। क्योंकि इतने गहरे पे ये मशीनें टारगेट निकालती कि बिना JCB के आप खुदाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मेरी ज़रूर ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगा। मशीन में टक 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 ऐसा आवाज़ आ रहा था, जब मेटल आता था तब आवाज़ तेज़ होती थी। ये क्यों करा जाता था? ताकि मेटल को साफ सुन सके। जैसा हम नगेट हंटिंग में क्या करते हैं, हल्का सा थ्रेशोल्ड खोल देते ना ताकि साउंड बदले, तो जब हमें आवाज़ आए तो इस प्रकार से ही इसमें ऑल मेटल की तरह आपको हल्का सा थ्रेशोल्ड आता रहेगा, जिससे कि मेटल में साउंड का वेरिएशन आप समझ सके और अच्छे से आप मेटल को पहचान के निकाल सके। तो गहरे पे क्या होता है, काफ़ी बार साउंड छूट जाता है, लेकिन इसमें थ्रेशोल्ड का ऑप्शन भी है जो अलग नाम से डाला गया। अब जब आप लोग आओगे खरीदने के लिए तभी ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बिठाल के समझाऊंगा। अभी तो डेमो छोटा सा बनाना था यार, आपको पता है 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ, मतलब 10 से 12 मिनट के अंदर। तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि क्या है, काफ़ी लोगों को छोटी पसंद होती है, कुछ लोगों को बीच की पसंद होती है कि सर 10-12 मिनट की बना दो। तो 12 मिनट की भी बना दी भाई, बताना कैसी बनी है। बाकी जिन लोगों को डिटेल से पसंद है ना, वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना, उनके लिए फुल डिटेल के वीडियो अपन उस पर लाया करेंगे। अब क्या करो, मशीन खरीदना है, संपर्क करो, नंबर और पता सामने लगा आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। 50,000 सब्सक्राइबर पे 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर मिलने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे गाइस, गुड।